नमस्कार, मेनुका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लौकी और चने की दाल की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये बनाने में बहुत ही इजी है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे बनाने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकताएं पड़ती है। आपने आधी किलो लौकी लेना है, इसको आपने थोड़ा मोटा मोटा काटना है। इसके बाद ये चने का दाल है, चने की दाल को आपने एक कटोरी लेना है। इसके बाद आपने नमक स्वाद अनुसार लेना है और आपने एक चम्मच हल्दी लेनी। ये दाल और लौकी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुकर चाहिए। कुकर में आपने ये एक कटोरी दाल डाल देना है चने का। इसके बाद ये कटा हुआ लौकी डाल देना। दोनों को हमने धोना है और इसको मैंने धो भी ली हूँ। अब इसको धोने के बाद आपने इसमें पानी डाल देना है। एक आपने ढाई गिलास पानी डालना है इसमें, एक चम्मच हल्दी डालना है आपने, नमक आपने स्वाद अनुसार डालना है। आप एक चम्मच तेल डालिएगा, तेल डालने से दाल उबल के बाहर की तरफ नहीं गिरेगा। अब इसको हम गैस में चढ़ा देते हैं और इसको हम 10 मिनट तक पकाते हैं। जब इसकी 2 सीटी लग जाए तो आपने इसको स्लो आंच में पकाना है 10 मिनट तक। यह आपने 10 मिनट तक पकाने के बाद ये देखिए हमारा ये पक गया है और ये आपका ये लौकी भी गल गया है और ये दाल भी गल गया है। अब हम तड़का लगाएंगे। आपने एक बड़ा सा प्याज लेना है, इसको आपने काटना है। ये 2 टमाटर है, इसको कद्दूकस करना है। गार्निश के लिए हमें धनिया चाहिए। इसके बाद आपने ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता आपको 10-12 पत्ते चाहिए। ये साबुत धनिया है, इसको आप थोड़ा सा दरदरा सा पीस लीजिएगा। फिर ये राई है 1/2 चम्मच। ये आपका धनिया और जीरा पाउडर है। ये हल्दी है, हल्दी 1/2 चम्मच है क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें बॉइल करते समय हल्दी डाल चुके हैं। ये 1 चम्मच आपका आमचूर है, 1/2 चम्मच आपका ये लाल मिर्च है। नमक आपने स्वाद अनुसार लेना है क्योंकि आप पहले भी इसमें डाल चुके हैं। ये 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है। और आपने ये हींग 2 पिंच लेना है, 3 लाल मिर्च है साबुत आपने इसमें तड़काने के लिए। और ये आपका तेल है, तेल आप आवश्यकता अनुसार ले लीजिएगा। गैस ऑन करके मैंने फ्राई पैन चढ़ा चुकी हूँ और ये आपका गर्म हो चुका है। अब आप इसमें तेल डाल दीजिए। पहले साबुत मिर्च डाल देना है, आपने ये धनिया डाल देना है, राई डालना है। राउंड हो जाए तो आपने ये कटा हुआ प्याज डाल देना है, आपने कड़ी पत्ता भी डाल देना है। प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो जाए तो आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। जब आपका ये लहसुन और अदरक का पेस्ट हल्का हल्का ब्राउन हो जाए तो आपने ये मसाला डाल देना है, धनिया और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च। आपने फ्लेम को स्लो कर देना है। इसके बाद आपने ये आमचूर डालना है। नमक आपने स्वाद अनुसार डालना है क्योंकि आप पहले भी दाल में नमक डाल के बॉइल्ड कर चुके हैं। आपने 2 पिंच हींग डालना है। जब ये मसाला पूरा भून जाए तो आपने ये कद्दूकस किया हुआ टमाटर डाल देना है। आपने ये ग्रेवी को तब तक भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़े। ये देखिए हमारा ग्रेवी भून के तैयार हो गया है, अब ये तेल छोड़ रहा है। अब हम इसमें लौकी और चने की दाल डाल देंगे। ये देखिए हमने बॉइल्ड किया हुआ इसमें डाल दिए और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है, हमारा ये दाल बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें धनिया डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम प्लेटिंग करते हैं। ये लौकी और चने की दाल की रेसिपी बन के तैयार हो गया है। आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा आप अपने अनुभव मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।